स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मरहलावार स्कूल्स खोलने का प्लान। कम कोरोना केसेस वाली तहसीलों में स्कूल खोले जाएंगे। पहले हायर और हाई सेकेंडरी स्कूलों को खोला जाएगा। तुलबा को 3 रोज स्कूलों में बुलाया जाएगा। स्कूल खोलने से कबल इसातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग दी जाएगी। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 5 अफराद चाबक। 66 रोज में कोरोना से 102 अमवात रिकॉर्ड। 503 नए मरीजों के साथ मुबतला शहरी 7612। पंजाब में 1,74,000 से ज्यादा तशखीसी टेस्टों के नतीजे में 15,364 में वायरस की तस्दीक। मजमूई अमवात बढ़कर 273 तक जा पहुंची। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और मरीजों में मुसलसल इजाफा। ईद के बाद 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। महकमे सेहत का मुकम्मल लॉकडाउन का खात्मा स्मार्ट सैंपलिंग से मशरूत करार दे दिया। लाहौर पुलिस का किसी भी फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। फूड कोर्ट, स्टॉल्स, रेस्टोरेंट और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। वजीर आला की जेर सदारत काबीना कमेटी ब्राय कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले। वजीर आला का कोरोना के शिकार पुलिस अहलकारों को खसूसी अलाउंस देने का ऐलान। हुकूमत का महदूद अफराद के साथ शादी हॉल्स खोलने की तजवीज का जायजा लेने का भी फैसला। तजवीज काबीना की कोरोना कमेटी के सामने रखी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स को रात गए तक काम की इजाजत, तो मार्केट शाम 5 बजे क्यों बंद करें? इचरा बाजार के दुकानदार डट गए। हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज। मार्केट रात गए तक खोलने का फैसला। अनारकली बाजार में भी ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का रश। ताजी यूनियन, वार्डन्स और पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक रहे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली पर ट्रांसपोर्टर्स थड़ों में तकसीम। कहीं ट्रांसपोर्ट का पहिया चला तो कहीं पर बदस्तूर चेयर। लारिया डे, बादामी बाग और सिटी पर ट्रांसपोर्ट जुजवी तौर पर बहाल। मुसाफरों और अमले ने मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के SOPs पर अमल दरामद हवा में उड़ा दिया। विफाकी हुकूमत का 56 दिनों से बंद ट्रेन ऑपरेशन की बहाली का ऐलान। लाहौर रेलवे डिवीजन की जानिब से इंतजाम का सिलसिला जारी। मुसाफरों की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, टनल नर्स। रेलवे अफसरान का इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। मुसाफरों से रेलवे स्टाफ के साथ मुकम्मल तआवुन की अपील। कोरोना से मुतासरा PIC हाई रिस्क बन गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर और पैरामेडिक्स तहाल हिफाजती किट से महरूम। हुकूमत 24 घंटों में सहूलियात फराहम ना कर सके तो हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों से माजरत कर लें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट और तिबी अमले के लिए मुकम्मल हिफाजती सामान की फराहमी का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ सेहत के मैदान में हुकूमती दावों की कलई खुल गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ, वेंटिलेटर्स की किल्लत और खराब इक्विपमेंट 2 माह बाद भी दुरुस्त करवाने में नाकाम। गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने वाले कोरोना के 15,000 मरीजों के लिए सुबह भर में सिर्फ 1,296 वेंटिलेटर्स दस्तियाब। माली बहरान संगीन से संगीन है। विफाक का पंजाब को 1,000 अरब की बजाय सिर्फ 575 अरब देने का फैसला। बड़ी कटौती से नए बजट में शॉर्टफॉल 600 अरब हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर काम तो दरकिनार। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात का खदशा। गवर्नर पंजाब के आबे पाक अथॉरिटी के मंसूबे पर एतराजात। ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नर पंजाब का शिकवा दूर कर दिया। आबे पाक अथॉरिटी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमे PND बोर्ड सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बोर्ड ने तमाम एतराजात दूर करके मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दी। पंजाब के महकमे नए माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तैयारी में मसरूफ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों की तजावीज तैयार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 8 मेगा प्रोजेक्ट रखे गए हैं। प्रोजेक्ट की कुल मालियत 100 अरब रुपए से जायद है। ट्रैफिक पुलिस की कमजोर क्यादत की नाकिस हिकमत अमली। जगह जगह ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। वार्डन्स कहीं मोबाइल फोन में मगन रहे तो कहीं छांव में बैठे नजर आए। शाह आला मार्केट, अनारकली, उर्दू बाजार, अकबरी मंडी और दिल्ली गेट पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 22 से 27 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में भी 22 से 27 मई तक की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। दारुल उलूम नईमिया ने सदका फितर का निसाब जारी कर दिया। रवा साल फीकर सदका फितर 100 रुपए मुकर्रर। जामे अशरफिया के मुताबिक सदका फितर 80 रुपए है। फिका जाफिया में फीकर सदका फितर 150 जबकि चावल के हिसाब से 500 रुपए होगा। सेशन कोर्ट में ऑनलाइन केस दायर करने की सहूलत मुतारिफ करवाने का फैसला। वकला और शायलीन घर बैठे ईमेल के जरिए केस फाइल कर सकेंगे। केस बजरिया सिस्टम मुतल्लिका जज की अदालत मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदालत आए बगैर ऑनलाइन दलाइल की सहूलत भी हासिल होगी। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान अहम निकात पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर के मुतालबा तस्लीम करने की यकीन दहानी पर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा वापस ले लिया। महकमा खुराक मिलों को 3 की बजाय 7 दिन का स्टॉक रखने और किसी भी जिले से गंदम खरीदारी की इजाजत देने पर रजामंद। गंदम खरीदारी का सरकारी हदफ मुकम्मल होने पर गंदम खरीदारी की भी खुली छुट्टी होगी। सख्त गर्मी में नादरा सेंटर्स के बाहर बेपनाह रश। समाजी फासला बरकरार रखने समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। एहसास प्रोग्राम के मुतासरीन का सेंटर्स के बाहर नादरा मोबाइल वैंस खड़ी करने का मुतालबा। ईद पर अहले खाना का अपने प्यारों से इजहार मोहब्बत। जेलों में खुसूसी काउंटर कायम। कैदियों को ईद पर घर से सामान रकम और खाना मंगवाने की इजाजत। डेप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक का अफसर खुसूसी काउंटर की निगरानी पर मामूर होगा। जेल हुकाम ने अहले खाना से मुलाकात की इजाजत हुकूमती ग्रीन सिग्नल से मशरूत करार दे दी। लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी गैर तसली बख्श करार। वजीर आला की जानिब से बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी का पोस्टमार्टम कर दिया। कमिश्नर लाहौर को पार्किंग कंपनी खत्म करने या नई शरायत पर बहाल रखने का मरासला अरसाल। पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला कमिश्नर लाहौर के जवाबी मरासले से मशरू। एहतजाज काम आया ना धरना। हुकूमती अदम दिलचस्पी के सबब खसूसी अफराद तहाल मुलाजमतों से महरूम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुश्तहर आसामियों के लिए इंटरव्यूज को 6 माह गुजरने के बाद भी फाइल। वजीर आला ऑफिस में फैसले की मुंतजर। PIA इंतजामिया की अजब मंतक। लाहौर से फ्रैंकफर्ट जाने वाली खसूसी परवास की 300 से ज्यादा टिकट्स फरोख्त। स्पेशल परवास 8733 से 40 मुसाफरों को ऑफ लोड कर दिया गया। PIA इंतजामिया के मुताबिक मुसाफरों को अगली परवास में एडजस्ट करके फ्रैंकफर्ट भिजवा दिया जाएगा। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। आपारा सोसाइटी और नास टाउन में पार्क और सड़क की जगह पर गैर कानूनी तामीरात में स्मार। इकबाल टाउन में फ्लैट्स और जोहर टाउन में ओपन एयर थिएटर भी किरा दिया गया। गिरा फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 489 मकामात की इंस्पेक्शन। 67 मकामात पर खिलाफ वर्जियां पाए जाने पर 1,85,000 के जुर्माने कर दिए गए। 13 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट एक्ट मौजूद है तो अदायगियां किस तरह कफालत प्रोग्राम पर हो रही हैं। BISP से एहसास कफालत प्रोग्राम को रकम फराहमी के इंकशाफ पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का इस्तफसार। हुकूमती अफसर का एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए किसी कानून साजी न होने का एतराफ। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 6 जून को सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तलब कर लिया। ईद अपनों में मनाने की ख्वाहिश। हाईकोर्ट में गिरफ्तार मुलजमान की जानिब से जमानत की दरखास्तों में इजाफा। चीफ जस्टिस समेत 10 दीगर जजेज ने दरखास्तों पर सुनवाई की। रश के पेश नजर वकला ने फीसों में इजाफा कर दिया। वजीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आला ने अकेडमी का क्याम मकामी हुकूमतों के निजाम को मजबूत बनाने की सम अहम कदम करार दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माली इशराक से तामीर की जाने वाली एकेडमी पर 1,86 करोड़ की लागत आएगी। ईद के बाद पंजाब के वज़रा की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट तलब कर ली।
मदीनाला पंजाब वजीर आजम के मुशावरत से वुजरा की कारकर्दगी का जायजा लेकर फैसला करेंगे। बाकी इस कारकर्दगी के हामिल 5 वुजरा ने मनसब बचाने के लिए दौड़ धोप शुरू कर दी। हाउसिंग स्कीम ज्यादा से ज्यादा 100 किनाल की होगी। प्लॉट का कम से कम रकबा 10 मरले और अपार्टमेंट का 3 मरले मुकर्रर। सूबाई वजीर कानून की ज़ेर सारत LDA रूल्स का इजलास। अफसरान की कम आमदन हाउसिंग स्कीमों के लिए LDA रूल्स में तरामीम पर ब्रीफिंग। वजीर अकलियती उमूर एजाज आलम गिरजा घरों से मजहबी सियाहत के फरोग के लिए सरगर्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सूबाई वजीर को हर किस्म के तआवुन की यकीन दहानी। मुलाकात में DG बॉर्डर सिटी अथॉरिटी की भी शिरकत। तारीखी मकामात की बहाली के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। जुडिशल अकेडमी में जेर तरबियत जजेस के लिए खसूसी लेक्चर का अहतमाम। जस्टिस जवाद हसन ने माहौलियाती कवानीन और अदालतों के किरदार के हवाले से लेक्चर दिया। जस्टिस जवाद हसन कहते हैं जब कुदरत के अता करदा माहौल को छेड़ा जाएगा तो कोरोना जैसी वबाएं पैदा होंगी। माहौलियात के तहफ़ के लिए ग्रीन कोर्ट का क्याम अमल में लाया गया जो तेजी से फैसले कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर की अदालतें भी खुलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालतें खोलने के मुतालबे का ऐलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजे खोलने का हुक्म दिया। अदालतें भी फौरी खुलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऐलान। हुकूमत फैक्ट्री से निकाले गए मुलाजमीन को बहाल करवाए। वर्कर्स यकजहती कमेटी का मुतालबात के हक में फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। एहतजाज में सिविल सोसाइटी मजदूर रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का सोशल सिक्योरिटी इदारों की निजकारी न करने। मजदूर की तनख्वाह 30,000 करने का भी मुतालबा। ईद के बाद बड़े एहतजाज का ऐलान। अंजुमन ताजरान के मरकजी कायदीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान नए मीर का सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट के हमरा मॉल रोड का दौरा। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर से ग्राहकों और ताजरों को आगाह किया। कोरोना के खिलाफ BSL-3 लैब की तकमील अहम संगमीर। स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्टरी के लिए आलात अतिया करने वालों की खिदमत का एतराफ। साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल ने डोनर्स में शील तकसीम की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद ने अफसरान और एहलकारों को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा। जामे मस्जिद तकवा विफाकी कॉलोनी में राशन तकसीम करने की तकरीब। 50,000 जरूरतमंद अफराद को घरों में राशन पहुंचाया गया। जबकि रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट की जानिब से शादबाग में राशन तकसीम। गजाली सलीम भट्ट कहते हैं मुश्किल हालात में मुखैर हजरात को बढ़ चढ़ कर मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। और नए फॉर्मेट पर पहला डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन। PCB का सूबाई सतह पर एलीट कैटेगरी मुतारिफ करवाने का फैसला। कैटेगरी में शामिल नौजवान क्रिकेटर्स खसूसी मराज फ्राहम की शायकी। सीजन के लिए टीमों के इंतखाबात की हिकमत अमली आइंदा हफ्ते तरतीब की शायकी।